अनोखे तरीके से ठगी करने वाले एक आरोपी नागमणि को बोकारो पुलिस ने सेक्टर 9 से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 3 ठगी किए गए मोबाइल एवं फर्जी आधार और पैन कार्ड बरामद किया गया है। गिरफ्तार आरोपी बिहार के मुंगेर का रहने वाला बताया जा रहा है। इन दिनों वह जमशेदपुर में काम कर रहा था, लेकिन हाल के दिनों में उसने अपना ठिकाना बोकारो को बनाया था। सिटी DSP ज्ञान रंजन ने जानकारी दी है कि यह आरोपी नागमणि लोगों को ऐप के माध्यम से अपना शिकार बनाता था। आरोपी ऐप के माध्यम से अपनी आवाज़ को लड़की का आवाज़ बनाकर ग्राहकों को नौकरी दिलाने के नाम पर जाल में फंसाता था, और जब लोग उसके जाल में फंसते थे तो उसे बोकारो बुलाकर उसको अपना सिखाता था। BSL में नौकरी लगवाने के नाम पर ठगी का पहले भी हम लोगों ने बोकारो पुलिस ने उद्भेदन किया था। फिर इसी मोडस ऑपरेटिव पर सेक्टर 4 थाने में एक हम लोगों को कंप्लेन मिला था, जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा बताया गया था कि नौकरी लगवाने के नाम पर उससे 25,000 रुपये की ठगी कर ली गई, और साथ ही जब वो बोकारो पहुँचा तो उसे मेडिकल की लाइन में खड़ा करके उसका मोबाइल भी लेके भाग गया था अभियुक्त के द्वारा। इसी क्रम में बोकारो SP साहब ने इसमें काफ़ी गंभीरता से लेते हुए इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया था। पुलिस निरीक्षक से थाना प्रभारी गिरीश दत्त मिश्रा के नेतृत्व में उनके द्वारा जब अनुसंधान में आगे बढ़ा गया तो तकनीकी बिंदुओं पर जांच पड़ताल करते हुए हम लोग एक व्यक्ति को धर दबोचे, जो कि पूर्व में भी जेल जा चुका था इसी मामले में, जिसका